इधर धारचूला में नेपाल की तरफ से पिछले कुछ रोज में ही कई बार पत्थरबाजी की जा चुकी है और इस बारे में पिछले दिनों नेपाल और पिथौरागढ़ के अधिकारियों के बीच बातचीत भी हुई और अब सहमति बनी थी कि अब पत्थरबाजी नहीं होगी। मगर फिर से यही घटना हुई है और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि नेपाल में पत्थरबाजी की साजिश आखिरकार कौन रच रहा है। नेपाल और भारत के संबंधों में एक बार फिर से खटास डालने की साजिश हो रही है। कभी नेपाल में भारत के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है तो कभी भारतीय क्षेत्र में तटबंध निर्माण कर रहे मजदूरों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। अभी हम नेपाल की उस जगह पर हैं जहां से भारतीय क्षेत्र में लगातार नेपाल के द्वारा पत्थरबाजी की जाती है। नेपाल के कुछ ऐसे लोग हैं जो भारतीय क्षेत्र में भारतीय तटबंध का निर्माण का विरोध कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। लगातार नेपाल के द्वारा यहाँ से उस भारतीय क्षेत्र में पत्थरबाजी की जाती है। सवाल ये है कि आखिरकार इसके पीछे कौन है। मामले की तह तक जाने के बाद पता चलता है कि अब नेपाल के लोगों को इस बार माओवादी विप्लव गुट कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता भड़का रहे हैं। विप्लव गुट कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को भारत के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। नेपाल की तरफ से की जा रही पत्थरबाजी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस बारे में डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत चल रही है। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग लगातार संपर्क में, हमारे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संपर्क में है और जो भी निर्माण कार्य हो रहा है वो दोनों राज्यों का, हमारा एक दोनों राष्ट्रों का, हमारा उनके साथ रोटी रोटी का संबंध रहा है, भाई भाई का संबंध रहा है और सदियों का पुराना संबंध है और वो संबंध मैं समझता हूँ कि कुछ लोग उसको उकसाने का काम कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर उसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं। सवाल ये है कि नेपाल के लोगों को आखिरकार पत्थरबाजी के लिए कौन उकसा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता किसके कहने पर भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं। दिसंबर महीने में ही पत्थरबाजी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। मामला शांत करने के लिए पिछले दिनों भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच बैठक भी हुई थी जिसमें पत्थरबाजों पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने, एसपी पिथौरागढ़ ने उनके सीडीओ और उनके जो है नेपाल पुलिस और उनके जो शस्त्र के अधिकारी उनके साथ धारचूला में उनकी मीटिंग हुई थी और मेरा ये मानना है कि इनको उनके सांसद और विधायकों से भी बात करनी चाहिए और नेपाल के प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए। इसका जो है तत्काल इसका जो है एक फैसला हो जाना चाहिए। 2013 की आपदा में काली नदी के किनारों को काफी नुकसान पहुंचा था। इस दौरान धारचूला से झूला घाट तक भीषण तबाही हुई थी तो वहीं आपदा में कई घर बह गए थे, जिसके बाद भारत अपने क्षेत्र में तटबंध का निर्माण कर रहा है जबकि नेपाल अपने क्षेत्र में मजबूत तटबंध बना चुका है। उस समय भारत की तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया था, मगर जब भारत अपने क्षेत्र में सुरक्षा दीवार बना रहा है तो कुछ पर्दे के पीछे बैठे हुए लोग नेपाल को भड़का रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी के साथ धारचूला से नीरज की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।